पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपको आज फिर से एक नए सफर पर ले जाने के लिए। एक ऐसा सफर जिस पर चलने को आप लोग पूरे सप्ताह इंतजार करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के लोहरदगा जिले के एक ऐसे गांव में, जहां एक ऐसी महिला जो एक कदम बिना लाठी के सहारे न उठा सकें, लेकिन आज उन्होंने न जाने कितनों को सहारा देकर चलने लायक बना दिया है, वो भी इन्हीं साक्षरता कक्षाओं के माध्यम से। झारखंड कुछ सालों पहले तक बिहार का हिस्सा हुआ करता था और बिहार की साक्षरता पर नजर डालें तो कुछ नया नहीं दिखेगा, लेकिन सन 2000 में जब झारखंड का जन्म हुआ तो उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से इस राज्य में भी साक्षरता कार्यक्रमों का आगाज किया गया। इन साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़कर नरौली गांव की इस महिला ने वो कर दिखाया जो हर किसी के लिए आसान नहीं था। नक्सली समस्या से जूझते हुए, गरीबी को मात देते हुए नरौली गांव की हर महिला और पुरुष साक्षर हो रहे हैं। उस महिला का नाम है ललिता मिंज। आज इनके कारण ही इस गांव में साक्षरता का बिगुल सा बजा है। ललिता मिंज ने अपने मकसद को किस तरह अमली जामा पहनाया, यही जानते हैं और चलते हैं झारखंड के उनके गांव नरौली। कहते हैं कि जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो आप अपनी जिंदगी को रोगाकर गुजार लो, या फिर जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करके अपनी जिंदगी के संघर्ष को जारी रखो और उस पर फतेह हासिल कर लो। ऐसी एक हस्ती अपनी जिंदगी में एक मकसद को निर्धारित करके जीवन रूपी गाड़ी में सवार हो गई और उसका मकसद था लोगों को शिक्षित करना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और एक ऐसा समाज तैयार करना जो शिक्षित हो, जो अपने हक के लिए लड़ सके, जिससे एक बेहतर समाज की नींव रखी जा सके, जिस पर चलकर हम सफलता की डगर पर हमेशा अग्रसर रहें। हम बात कर रहे हैं नरौली खेड़ा की ललिता मिंज की, जिन्होंने समाज के लिए एक मिसाल पेश की, एक ऐसी मिसाल जो हर इंसान को प्रेरणा दे सके। ललिता मिंज 55 साल की एक विकलांग महिला हैं। जिले में चलाए जा रहे साक्षरता अभियान की स्वयंसेवक ललिता मिंज ने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर नरौली गांव के 30 लोगों को साक्षर किया, उन्हें जीने की नई राह दिखाई। ललिता मिंज स्वयं विकलांग जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी विकलांग नहीं समझा, बल्कि वो मानती हैं कि गांव का हर वो व्यक्ति विकलांग है जो अशिक्षित है, और अपने गांव में सदियों से चली आ रही इसी विकलांगता को दूर करने का ही संकल्प लेकर वो आगे बढ़ती जा रही हैं। जिस गरीबी में ललिता ने अपनी जिंदगी बसर की है, उस माहौल में इतनी जागरूकता फैलाना और समाज को शिक्षा की दिशा में मोड़ कर लाने की बात तो दूर, यहाँ तो लोगों का वजूद भी गुम हो जाता है, और इस भीड़ में 2 जून की रोटी कमाने की आपाधापी में वो अपने आप को ही भूल जाते हैं और जिंदगी भर तलाशने पर भी अपने आप को नहीं तलाश पाते। ललिता मिंज एक बहुत ही गरीब परिवार में पली बढ़ी। ये गरीबी ऐसी थी जिसमें पेट भर रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ जाए। उस पर बचपन में ही पोलियो से पैर खराब होने से तो इनकी जिंदगी ही दुश्वार हो गई। ऐसी गरीबी और मुफलिसी में शिक्षा को ही उन्होंने अपना हथियार बनाया और मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी कर ली। नरौली स्कूल में नाम लिखा दिए, वहाँ जाने आने लगे, स्कूल पढ़ने लगे, घर में भी पढ़ने लगे। उसके बाद में वहाँ स्कूल था ऐसा कि 2 रूम था मिट्टी का, उसी में पढ़ रहे थे। उसके बाद चल गए थे कायरो हाई स्कूल, उसमें पढ़े लिखे। कितना तकलीफ हमको होता था जाने आने में कायरो, 1 किलोमीटर यहाँ से होता है पैदल आने जाने में, कितना मुश्किल से हम शिक्षा पाए हैं। यहाँ के लोगों की गरीबी और बदहाली को देखकर दुख होता था कि काश ये लोग भी पढ़े लिखे होते तो शायद ये भी अपने अधिकारों को पहचान सकते थे। ललिता शिक्षा के महत्व को समझ चुकी थी
इसलिए वो चाहती थी कि मेरे गांव का हर बच्चा साक्षर हो, हर महिला शिक्षित हो और गांव का हर बाशिंदा शिक्षा के महत्व को समझे। मगर ये मुमकिन कर पाना इतना आसान न था। ललिता अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। इसी दौरान उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई, वो थी जिले में चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रम। 2002 में हमको बोले कि दीदी चलो करो, तो हाँ ससन हम भी करेंगे, ऐसा ही बैठे रहते हैं, समय मिलेगा तो यहाँ दोपहर में पढ़ाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, वो सबके साथ साथ में महिला सबको भी सिखाएंगे। उसके बाद में दूरा दूरा खोजने लगे महिला सबको और महिला ग्रुप बनाए हम लोग। 2001 में लोहरदगा जिले में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा यहाँ साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई और कोशिश की गई जमीनी स्तर से। जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा वर्ष 2001 में साक्षरता परियोजना को स्वीकृति दी गई तो इसका कार्यान्वयन हम लोगों ने जन सहयोग से यहाँ शुरू किया और एक मुहिम चलाई और उसमें सारे तबके के लोगों को जोड़ा। ललिता मिंज साक्षरता कार्यक्रम से तो जुड़ गई थी, लेकिन वो शायद आगे आने वाली मुश्किलों से वाकिफ नहीं थी, क्योंकि सवाल ये था कि आखिर पढ़ाएं तो पढ़ाएं किसे। कोई भी गांव वाला पढ़ने को तैयार नहीं था। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। शुरू में तो बोल रहे थे गांव वाला सब ना सर कि नवा बिहान बिहान कब होगा, कब होतो बिहान, नवा बिहान के बोल बोल के हमको और सुसन को खूब आदमी सब हम लोग को मजाक उड़ाया है, बहुत खिल्ली उड़ाया है। पर अभी जब बिहान सुबह हो गया तब आदमी का अब नजर खुल गया है। लेकिन ललिता मिंज ने हार नहीं मानी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और वो बिहान की किरण भी दिखाई दे ही गई। और इस बिहान यानी सुबह की किरणें इतनी रोशन थीं जिनकी रोशनी से सारा गांव जगमगा उठा। पहले दो चार और अंत में 30 लोग उनके केंद्र में आने लगे। ललिता के उत्साह को देखकर उनका मजाक उड़ाने वाले भी उनकी हिम्मत और दिलेरी के कायल हो गए। अब गांव का हर व्यक्ति साक्षरता की ओर मुड़ चुका है, चाहे फिर वो मजदूरी करता हो या कोई और काम, मगर दिन में वो एक बार ललिता से मिलने जरूर आता है। हम लोग खेत खरिहान में राट के खेत में काम करके आदमी का मजदूरी काम करके हम लोग पढ़ाए लिखाए, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बच्चा सबको हम लोग ध्यान दे के अच्छे से पढ़वाए। ललिता मिंज की मेहनत का सिला ये मिला कि 8 सितंबर 2005 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर ललिता मिंज को दिल्ली में पुरस्कृत किया गया। ललिता मिंज ने उम्र के इस पड़ाव में भी हिम्मत नहीं हारी। वो नवा बिहान जिला साक्षरता समिति के ग्रामीण पुस्तकालय का संचालन बखूबी कर रही हैं। इस लाइब्रेरी की देखरेख वो स्वयं करती हैं, क्योंकि पुस्तकालय में हर रोज शाम के वक्त ग्रामीण जुटते हैं और यहाँ मौजूद किताबों को पढ़ते हैं। गांव में ललिता के कारण ही पढ़ने लिखने का माहौल तैयार हुआ है। ललिता को मिले इस सम्मान से पूरे जिले के साक्षरता कर्मियों में उत्साह देखा जा रहा है। आज गांव का हर व्यक्ति साक्षरता कक्षाओं में जाकर अपनी भागीदारी दर्ज करना नहीं भूलता। नवा बिहान में ललिता द्वारा हम लोग को शिक्षा मिली, उसके बाद शिक्षा मिलने के बाद में अपना नाव गांव सब सीख गए हम लोग। गांव की जागरूकता का आलम यह है कि लोग कक्षाओं के बाद भी पुस्तकालय से किताबें लेकर पढ़ते हैं। ललिता का सपना यही है कि जब तक जिंदगी है ये सफर यूं ही चलता रहेगा। जब तक जिंदा रहेंगे सर तब तक करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अभी कभी नहीं छोड़ेंगे, नौ सच्छर को सच्छर बना के छोड़ेंगे, अभी जितना छुट्टी हुई है अभी अबर सब खत्म करेंगे। ललिता ने गांव की हर महिला को जागरूकता की ओर मोड़ा है और उसी का परिणाम ये है कि आज गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है। ये बच्चे अपने सपनों को आज गलियों में घूमकर नहीं बल्कि स्कूल जाकर किताबों में तलाशते हैं। ललिता ने अपनी विकलांगता को मात देते हुए सफलता का निरक्षरों को ऐसा स्वाद चखाया जिसे हर इंसान जीवन में एक बार तो चखना चाहेगा। ललिता ने साक्षरता के माध्यम से अपने पूरे गांव में साक्षरता की अलख जगाने का एक साहसी कार्य किया है। साक्षरता में पिछड़े देश के हर कोने में साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से निरक्षरता को दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एक ऐसी कोशिश की गई जिसके चलते बरेली जिले को पूर्ण साक्षर जिला बनते देर नहीं लगेगी।
साक्षर करने का एक ऐसा माध्यम चुना गया जो अगर सफल होता है तो देश के बाकी हिस्सों में इसे लागू करके साक्षरता अभियान को एक नया आयाम मिलेगा। देश को पूर्ण साक्षर होते देर नहीं लगेगी। लेकिन ये क्या माध्यम है जिसके चलते कुछ ही समय में जिला साक्षरता के शिखर पर होगा? चलिए जानते हैं और रुख करते हैं बरेली का। अगर हम देश की साक्षरता पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि हम साक्षरता में अभी भी कितने पीछे हैं। देश को पूर्ण साक्षर बनाने के वास्ते अभी बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ करना बाकी है। देश में समय समय पर ऐसे न जाने कितने कार्यक्रमों की शुरुआत की गई जिससे देश साक्षरता के पथ पर पूर्ण रूप से पहुंच सके। ऐसा ही कदम उठाने का साहस दिखाया बरेली जिले की जिला साक्षरता समिति ने। जिले में निम्न साक्षरता दर को देखते हुए एक ऐसा प्रयास किया गया जो शायद अभी तक नहीं हुआ था, जिससे आने वाले दिनों में जिले से निरक्षरता को दूर किया जा सके। और जो लोग हैं, जो मतलब बूढ़ी लोग हैं, उन लोग को भी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का शौक होता है, तो उनको मैं पढ़ाऊंगी। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सिलसिला नहीं रहेगा। और जिसको मैंने पढ़ा दिया वो भी अपनी छोटी बहनों को पढ़ाए ताकि उसके द्वारा भी कोई और साक्षर हो। जिले में एक नए प्रोजेक्ट को पेश करते हुए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी एक निरक्षर को साक्षर करना होगा। ये पढ़ाने का काम बच्चों को एक प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया। इसकी शुरुआत स्कूलों से संपर्क कर की गई। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि हर बच्चा एक व्यक्ति को साक्षर करे तो बहुत जल्दी निरक्षरता को जिले से दूर किया जा सकता है। इसी को देखते हुए बरेली जिले में स्थित केपीआरसी गर्ल्स इंटर कॉलेज से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी स्कूल में 12वीं कक्षा की दो छात्राओं में से एक बड़ी मेहनत से अपने पड़ोस की एक निरक्षर को पढ़ा रही है। हमने इन लड़कियों से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि कैसे वो लोगों को साक्षर कर रही हैं। ये हैं सबा परवीन और ये हैं फरहीन, दोनों कक्षा 12 की छात्राएं हैं। जब कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो इन दोनों लड़कियों ने सबसे आगे रहते हुए इससे जुड़कर दो लोगों को पढ़ाना शुरू किया। आज ये लड़कियां अपनी मेहनत से किसी दूसरे को वक्त दे रही हैं, जिससे किसी निरक्षर के जीवन में रोशनी लाई जा सके। हमारे स्कूल में मैडमों ने बताया हमें कि किसी को साक्षर करना बहुत अच्छी बात है, आप किसी को साक्षर करना चाहती हैं करिए। जो लोग अनपढ़ हैं, जिन लोग को बिल्कुल शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उनको आप शिक्षा प्राप्त करवाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं, तो मैंने करवाया है। और आज एक ऐसी है भी जो बिल्कुल पूरी तरह से साक्षर हो गई है, और मैं आगे भी और लोगों को भी जब तक मैं हूँ साक्षर करती रहूंगी। जब मुझे स्कूल में मेरे बताया गया मेरे शिक्षिकाओं ने कि किसी को साक्षर करना है, तो फिर मैं घर पे आई, मैंने अपने घर वालों से बात करी कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इससे जुड़ूं। फिर मुझे अमरीन दिखी, मैंने उससे बात करी, उसने हाँ करी, फिर मैंने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया। सबा और फरहीन जैसी स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्राएं न जाने कितने ही लोगों को साक्षरता से जोड़कर निरक्षरता जैसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रही हैं। मकसद साफ है कि जिले में पढ़ने वाले 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों की संख्या जिले के कुछ निरक्षरों से ज्यादा है। इस प्रोग्राम को यदि 50% सफलता भी हासिल होती है तो भी उम्मीद से ज्यादा कामयाबी हासिल होगी और बहुत मुमकिन है कि 2 साल के भीतर ही जिले को पूर्ण साक्षर होने का दर्जा हासिल हो जाए। बरेली में जो एक इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू किया है कि जिसमें कि नैतिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के सिलेबस में आती है, तो उसमें हम प्रत्येक छात्र छात्रा को एक निरक्षर पुरुष या महिला से जोड़ रहे हैं। तो अब हमको जो वॉलंटियर ट्रेनर की जो समस्या है वो नहीं रही, और निश्चित रूप से आज के समय में मैं आपको एक डाटा बताना चाहूँगा कि एक वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में बरेली जिले से कक्षा 9, 10 और 11, 12 में 5 लाख से ऊपर के बच्चे जो हैं पंजीकृत होते हैं, और जबकि हमारा जो टारगेट है वो 2,18,970 का है। तो निश्चित रूप से अगर हम इस कार्यक्रम में 50% या 60% भी सफल हो पाते हैं तो हम बरेली को 100% साक्षर कर पाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। समय समय पर साक्षरता से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए जिससे देश की साक्षरता दर में तेजी से बढ़ोतरी हो, मगर शायद उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। उन्हीं कार्यक्रमों की सूची में इस कार्यक्रम ने भी अपना नाम शामिल कर लिया है।
जिसका श्रेय जाता है जिला साक्षरता समिति के सचिव ज्ञानेंद्र शर्मा को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। बरेली जिले में इस कार्यक्रम से एक उम्मीद सी जगी है। सबा, जो पूरी ईमानदारी से स्कूल जाती है और स्कूल से वापस आकर अपनी पढ़ाई के साथ पढ़ाती भी है, पढ़ने पढ़ाने का ये अनुभव बड़ा ही रोचक मालूम होता है। उम्मीद यही है कि जिस मेहनत से ये बच्चियां इस काम को अंजाम दे रही हैं, उससे जल्दी ही हजारों निरक्षरों को एक नई राह मिल जाएगी। वो कोशिश मैंने ऐसे की कि मैंने घर पे आई, मैंने घर पर बताया, फिर मेरी नेबर, मैं उसके घर जाती, मैंने उससे बोला कि तुम्हें पढ़ने का शौक है, चलो तो मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें। फिर मैंने उसको पढ़ाया, उसने अपना टाइम निकाला, वो भी बहुत बिजी थी, फिर उसने पढ़ा, फिर मैंने पढ़ाया, और उसकी कोशिश और मेरी कोशिश से आज वो पूरी साक्षर हो गई है। जिस तरह सबा अपने काम को अंजाम दे रही है, उसी तरह हम मिले फरहीन से, जो सबा के साथ उसी क्लास में पढ़ती है, और वो अपने ही पड़ोस की एक निरक्षर को साक्षर कर रही है। वो बच्ची जिसकी उम्र स्कूल जाकर पढ़ने की है, अपने माता पिता की मजबूरियों या फिर उपेक्षा के रहते स्कूल नहीं जा पाई, उसी लड़की को फरहीन आज शिक्षित कर उसकी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आगे भी कोशिश अपनी जारी रखूंगी, सबको पढ़ाऊंगी, जो भी इस मेरे आस पड़ोस में या फिर कहीं पर भी जो भी बिना पढ़ा लोग हैं, बिना पढ़े बच्चा है, मैं उसको कोशिश करूंगी कि मैं उसे पढ़ा सकूं और इससे अच्छे से अच्छा और पढ़ा सकूं, शिक्षा दे सकूं। फरीन और सबा, ये दोनों किसी की जिंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही अगर बाकी छात्र छात्राएं अपने काम को अंजाम तक पहुँचा सके, तो वो दिन दूर नहीं जब सभी जागरूक और साक्षर होंगे। अगर गौर करें तो बरेली जिले में इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए जिस स्कूल ने सबसे पहले हामी भरी, उसमें KPRC यानी कला केंद्र स्कूल का नाम सबसे आगे है। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण सबा और फरहीन है, जो अपने काम को अंजाम दे रही हैं। बस अब जरूरत है निरक्षरों को थोड़ी सी अपनी भागीदारी देने की। अब देखना यह है कि ये पढ़ने वाले छात्र अपनी मेहनत और लगन से साक्षरता के लिए कितना कर पाते हैं और निरक्षरता को दूर करने में कितना सफल हो पाते हैं। अगर कार्यक्रम सफल होता है तो जल्द ही देश की हर छात्रा एक निरक्षर को पढ़ाता नजर आएगा और देश पूर्ण साक्षर होकर एक अलग इतिहास लिखता नजर आएगा। अरे वाह, सबा और फरहीन तो वाकई एक नेक मकसद की तरह अपने इस पढ़ने पढ़ाने के कार्य में लगी हैं और एक निरक्षर को साक्षर करने की कोशिश कर रही हैं। अगर इस प्रोजेक्ट पर गौर करें तो ये तो सच है कि देश के हर जिले के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों की संख्या निरक्षरों से कहीं ज्यादा है, और अगर हर बच्चा अपने मकसद में सफल हो पाता है तो देश की साक्षरता में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होगी। साक्षरता दर में बढ़ोतरी करने के वास्ते मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छोटे से गांव कालियाखेड़ी की रहने वाली भगवती मंडोत अपने दिलोजां से समर्पित है और निरक्षरों को साक्षर करने का उसका ये सफर लगातार जारी है। मगर वो कैसे इन साक्षरता कक्षाओं से जुड़ी और कैसे उसने इसमें सफलता पाई, चलिए जानते हैं भगवती की ही सुबानी। कहते हैं कि जहाँ रास्ते नहीं होते वहाँ हमें अपने लिए राहें खुद तलाशनी पड़ती हैं। मगर कितने लोग हैं जो अपने रास्ते लोगों के भले के लिए खोजना शुरू करते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग इस दुनिया में कम हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसे लोग हैं ही नहीं। एक ऐसी ही महिला जिसने अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए अपने गाँव की महिलाओं को उस जगह लाकर खड़ा करने की कोशिश की जहाँ इन महिलाओं ने अपने ख्वाबों और ख्यालों में ही सोचा होगा। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना जीवन घूंघट और चार दीवारी के पीछे गुजारा, जहां परंपरा और सम्मान के नाम पर महिलाओं को 2 गज का घूंघट रखना पड़ता था और वो किसी पुरुष के सामने चप्पल तक पहनकर नहीं गुजर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से पुरुषों के सम्मान में कमी आ जाती है। मगर शायद ये सब बहुत हद तक बदल गया है और बदल रहा है। महिलाओं में जागरूकता लाने की जो कोशिश की उसका माध्यम बना शिक्षा, क्योंकि जितनी भी कुरीतियां इस गांव में पहले थीं, उन सब का मुख्य कारण था इन सब का अशिक्षित होना। बचपन में न सही, पर इस उम्र में इनके जीवन में एक परिवर्तन जरूर आया है। कालियाखेड़ी की रहने वाली भगवती ने महिलाओं में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। देश में निरक्षरता को दूर करने के लिए जब 1994 में साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई,
उसी वक्त से भगवती ने अपने पिता की तरह महिलाओं को पढ़ाने का प्रयास शुरू किया। जब साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, भगवती ने इस अभियान से जुड़कर अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था, खासकर उस गांव में जहां शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। बाल विवाह और घूंघट प्रथा जैसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए भगवती ने साक्षरता कार्यक्रमों से जुड़कर गांव में घर घर जाकर महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। इसमें न जाने भगवती को क्या क्या सुनना पड़ा, मगर भगवती ने हिम्मत हारे बिना अपने काम को जारी रखा। कुछ समय बाद ही भगवती की मेहनत नजर आने लगी, जब एक दो महिलाएं उनकी साक्षरता कक्षाओं में आने लगी। अब क्या था, अब भगवती ने इस अभियान को गांव में और तेज कर दिया और धीरे धीरे कर इन महिलाओं ने अपनी चौखट से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई और एक दूसरे को देखते हुए कक्षाओं में इन महिलाओं की तादाद बढ़ती गई। बस महिला और अनपढ़ और जागरूक नहीं गाँव में, पिछड़ा हुआ गाँव में जो कोई महिला कुछ भी नहीं समझती, इसलिए मैंने सोचा कि महिला और को पढ़ाए लिखाए और ये कुछ समझे, साफ सफाई का बारे में समझे, और फिर धीरे धीरे इनको पढ़ाने लगी तो ये जागरूक भी हुई महिला। राजगढ़ जिले का ये एक पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ न जाने कितनी ही सामाजिक कुप्रथाएं फैली थी, लोगों में शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं थी। भगवती ने इसी से प्रेरणा लेकर अपनी मंजिल बनाया लोगों को शिक्षित करना। भगवती की कक्षाओं में महिलाओं की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती गई। महिलाओं में एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा दिखाई देने लगी, जिसके चलते महिलाओं में पढ़ने के प्रति और तेजी आई और जल्द ही भगवती द्वारा की गई मेहनत के अच्छे नतीजे सामने आने लगे। महिला और आती है नहीं मेरी पढ़ने, तो दूसरी महिलाएं बोलती कि वहाँ पढ़ा हुआ एक महिला दूसरी औरतों से बोलती कि हम तो वहाँ पढ़ने जाएं स्कूल में, तो क्या मेरे को भी बुला लेना, दूसरी औरत बोले कि हाँ मुझे भी बुला लेना, तो ऐसे बहुत सारी महिला आ गए। जब इन्हीं कक्षाओं में पढ़ने वाली महिलाओं ने पांचवी और तीसरी कक्षा पास करनी शुरू कर दी, तो इन्हीं में से एक महिला राधा बैरागी ने कक्षाओं में लगातार पढ़कर पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। गांव की ही राधा बैरागी, जिनके परिवार में न तो इनके पति साक्षर हैं और न ही स्वयं कभी ये स्कूल जा सकी थी, मगर साक्षरता कक्षाओं के चलते उन्होंने अपने आप को एक मकाम दिला दिया। हम 4 साल से साक्षर पढ़ रहे थे, तो 4 साल से पढ़ के और 1 साल हम राजगढ़ भी गए थे, वहाँ बुलाया था नहीं तो वहाँ भी गए थे, फिर 4 साल से पढ़ते पढ़ते हमने फार्म पढ़ दे 5वीं का, तो 5वीं पास भी हो गई, तो फिर मार साहब ने ले जाएगी फार्म भी भराई परीक्षा भी दे ली, 5वीं पास होगी तो हमें हमारी इच्छा है कि RTO को फार्म भर, तो RTO को फार्म भर के फिर भी और मैं पढ़वा की कोशिश है कि बोलती हूँ 12वीं तक पढ़ सकते। इनकी इस कामयाबी पर इनका परिवार इन पर गर्व करने लगा है और जहां महिलाओं के पढ़ने पर लोग उंगलियां उठाते थे, आज ये आलम है कि गांव की हर महिला अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है और इन्हीं महिलाओं से प्रेरणा लेकर पुरुषों ने भी साक्षरता कक्षाओं का हिस्सा बनने का फैसला किया है। गाँव में ही एक दूसरा स्थान चुनकर पेड़ के नीचे कक्षाएं लगानी शुरू की गयी। पुरुषों में भी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, जिसमें गांव के सरपंच का भी भरपूर योगदान मिला। आज ये मजदूर वर्ग के लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो चुके हैं, अपने सारे काम स्वयं करना सीख गए हैं। अब गांव की कोई भी महिला अंगूठा नहीं लगाती है, बल्कि गर्व के साथ हस्ताक्षर करती है। भगवती ने अपने गांव को एक साक्षर गांव बनाने का जो सपना देखा था, उसने उसे बहुत हद तक पूरा कर लिया है। भगवती ने अपने अथक प्रयासों से वो कर दिखाया जो इस गांव में वर्षों से नहीं हुआ था। भगवती ने राधा जैसी लगभग 20 महिलाओं को साक्षर किया है, जिसके चलते आज वो अपने जीवन को एक नया रूप देने में कामयाब हो चुकी हैं। 22 औरतों को साक्षर कर दिया और अभी अभी 24 औरतें और अभी आ रही, और वो भी बोल रही कि हमें और पढ़ाओ, और 4 और तो बोल रही कि मैं 5वीं की परीक्षा दिलवाऊं। भगवती अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ इस अभियान से निरंतर जुड़ी रहीं, लेकिन उन्होंने कभी परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। आज गांव की हर महिला अपने बच्चे को स्कूल भेज रही है और ये महिलाएं 4 दीवारी से बाहर निकलकर अपने कार्य स्वयं करने की हिम्मत कर रही हैं
और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से निकलकर शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। ये बदलाव मुमकिन हुआ भगवती के प्रयासों से, जिन्होंने निस्वार्थ और परोपकार के भाव से गांव की महिलाओं को साक्षर करने का बीड़ा उठाया था। आज हाशिए पर बैठे लोगों को समाज की मुख्य धारा से तभी जोड़ा जा सकता है जब भगवती जैसे लोग अपने योगदान से समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करें। भगवती ने तो अपना काम कर दिया, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब बारी है आपकी और हम सब की कि हम किसी को अपना हाथ देकर चलने लायक बना सकें। बस जरूरत है उसके हाथ में कलम जैसी मजबूत लाठी देने की, जिससे हर पुरुष और महिला अपने बोझ को स्वयं उठाकर जीवन की हर मुश्किलों को पार कर सके। भगवती ने तो अपने गांव वासियों के जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। इससे मालूम होता है कि देश के हर कोने में साक्षरता के ये प्रयास सफलता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवती, ललिता और आज की सबा और फरहीन जैसी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं तक साक्षरता कार्यक्रमों से जुड़कर निरक्षरों को साक्षर करने के इस कार्य में जुटी हैं। अब देश का हर उम्र का व्यक्ति साक्षरता से जुड़ रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि देश को साक्षर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर चलेंगे देश के किसी ऐसे ही कोने में जहां कुछ वर्षों पहले साक्षरता के नाम पर कुछ भी नहीं था, मगर आज वहां के लोग साक्षरता से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे हैं। मैं बस यूं गई यूं आई। अच्छा, तो मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें